हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हमने जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ लिया, वो हमें कैसे मिलते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, और उनसे हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। अब हम उसके ऊपर आते हैं, वो लिमिटेशन में हो गया कि भाई इतने सारे यूज होने के बाद भी हर एक चीज की क्या होती है, दो साइड होती है, एक ब्राइट साइड होती है और एक डार्क साइड होती है। तो अगर आप उसकी ब्राइट साइड को एम्ब्रेस करते हैं तो यू हैव टू एम्ब्रेस द डार्क साइड आल्सो, ठीक है। अगर आपको किसी के मतलब ब्राइट साइड को एम्ब्रेस करना है, मतलब उसको साथ लेके चलना है, तो उसके साथ साथ आपको उसके डार्क साइड के साथ भी डील करनी पड़ेगी। वही यहाँ पर किसके साथ होता है, फॉसिल फ्यूल के साथ होता है। फॉसिल फ्यूल के इतने सारे यूजेस होने के बाद वहां पर उससे कुछ हमें नुकसान भी हैं, बहुत सारे हमारे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से होते हैं, ठीक है। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको नेचुरल गैस के बारे में बताया था कि नेचुरल गैस को आइडल फ्यूल क्यों कहा जाता है, उसके यूजेस के बारे में हमने बात की थी, और इंडिया के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि व्हाट आर द लिमिटेशन। अब आपके माइंड में सवाल आएगा लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भी फॉसिल फ्यूल कितने सारे हमने एडवांटेज पढ़ लिए, तो इसमें क्या लिमिटेशंस रह गई। तो फॉसिल फ्यूल्स में मेनली दो लिमिटेशंस होती है, एक तो होती है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, और सेकंड होता है आपका एयर पोल्यूशन। दिस टू आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी वहां पर क्या है, लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ना तो हम इनको रिन्यू कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा होता है रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वापस से हमें मिल सकते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, सोयल हो गया, सैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, वो रिन्यूएबल है, उसको प्योर वाटर को, इम्प्योर वाटर को प्योर करके वापस से रीयूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इनको आपने एक बार यूज कर लिया तो दे आर गोन, दे कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। तो एक तो उनकी जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिट अमाउंट में है, उनका एक मतलब जो लाखों करोड़ों साल पहले वो अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए थे, वो दब गए थे, अब वहां पर जितना दबे थे उतना हम निकाल लेंगे, तो उसके बाद कहां से बनेगा वहां पर, ठीक है। तो उनकी जो अमाउंट होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर हम मिलियंस ऑफ इयर्स पहले देखते हैं तो फॉसिल फ्यूल तब बनने स्टार्ट हुए थे, उनको हम रिसाइकल से या रिप्लेसमेंट से कुछ से नहीं कर सकते, क्योंकि इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू प्रोड्यूस फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बनाने में आपको मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। जिस रेट पर इनका कंजप्शन चल रहा है, मतलब जिस रेट पर, जैसे कोई भी जा रहा है, किसी को मतलब बाजार ही जाना है, 1 किलोमीटर भी जाना है, वो पैदल जा सकते हैं, लेकिन बाइक पर जा रहे हैं, कार पर जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये मतलब बिना बात के कंजप्शन चल रहा है। तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर जो नई जनरेशन आ रही है उसको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, एंड इट विल बिकम हिस्ट्री फॉर देम, ठीक है। उनके लिए एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा कि भाई हमारे जो पूर्वज होते थे वो डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलाया करते थे, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, इतिहास बन के रह जाएगा अगर हमने इसके जो यूज है उसको कम नहीं किया, ठीक है। तो लिमिटेड, एक तो इसकी यही लिमिटेशन होगी कि भाई इसकी क्या होती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, ये ज्यादा अमाउंट में या इसके अमाउंट को हम बढ़ा नहीं सकते, जितनी है नेचुरली है उसको हम सिर्फ घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। दूसरा है एयर पोल्यूशन। तो जब भी हम किसी भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन, ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ
कंटामिनेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, जब हम फॉसिल फ्यूल को क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे वो क्या करते हैं, वो हमें बहुत सारी गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO, NO2, NO, तो ये सभी गैसेस क्या करते हैं, ये सभी गैसेस एयर में जाकर एयर की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई जब एयर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है इन गैसेस की वजह से, तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, जिनको कराने के लिए मतलब अगर कहीं पर लोगों की मतलब कहीं बहुत ज्यादा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो वहां पर क्या होता है, लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग गैसेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, रेन आग के आती है उसके साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एसिडिक रेन। ठीक है, एसिड रेन कैसे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स की वजह से जब रेन वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, देन वी कॉल इट एसिडिक रेन। ठीक है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होता है, अभी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी ग्रीन हाउस गैस होती है एंड इट कॉजेस इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पोलराइज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिससे जो पोलर कैप्स होते हैं, पोलर कैप्स आइस होती है, इट इज मेल्टिंग एवरी डे, द सन सी लेवल इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है इनकम्प्लीट कम्बशन से। इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होता है, जहां पर जो फ्यूल है उसको मतलब इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो जहां पर वो कम्बशन होता है आपका इनकम्प्लीट कम्बशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन और आपको फूड पार्टिकल मिलते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं जो अनबर्न पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ जब कहीं पर आग लग जाती है, और आपने सुना है कि भाई वहां पर लोगों का दम घुटने से मौत हो गई, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनएक्सर्ट कर लेते हैं। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ, इसके साथ तो लग जाती है, फिर कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम उठ जाता है, मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो रिजल्ट रुक जाती है, और लोगों के अंदर क्या हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सूट पार्टिकल जो होते हैं वो कफ, स्नीजिंग और रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, अस्थमा है, ये सारी चीजें कॉज करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेकिन जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं वो डीप इनसाइड द अर्थ क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं, कोल की जो माइनिंग करते हैं, पंपिंग आउट ऑफ पेट्रोलियम क्रिएट होलो स्पेस इन द अर्थ व्हिच मे रिजल्ट इन कोल स्प्लिटिंग टू अर्थक्वेक। देखो, आपको पता है कि जो कोल और पेट्रोलियम होता है वो अर्थ के नीचे है, तो जब हम इसको निकाल लेते हैं तो वहां पर क्या बच जाती है, खाली जगह बच जाती है। अब जब हम जमीन के अंदर खाली जगह छोड़ेंगे तो वहां पर जमीन क्या हो जाएगी, धस जाएगी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को कोल मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि भाई जहां से ये चीजें निकल रही है वहां पर खाली जगह बच जाएगी, उस जगह को कैसे भरे हम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज को बचा के रखना या किसी चीज को थोड़ा थोड़ा खर्च करना, तो उसको बोलते हैं कंजर्व। जैसे कंजर्वेटिव इंसान होते हैं,
कि वो खर्चा बहुत कम करते हैं क्योंकि उनको बिना बात की खर्चा कंजर्वेटिव कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज को बचा के रखना और उसको कम कम यूज करना। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स में आता है कि आपको पता है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको कंजर्व करने स्टार्ट कर दें तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू एग्जॉस्ट देम, उनको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप उनको कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको कंजर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फॉसिल फ्यूल के यूज को कम से कम करें, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत है तब उसको यूज करें, ठीक है। सेकेंडली आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका मतलब फॉसिल फ्यूल्स है उसकी जगह पर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज कर सकते हैं जो आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, जैसे आप विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं और हाइड्रो एनर्जी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है। और आप जो हाई फॉसिल फ्यूल फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल यूज कर सकते हैं, मशीन यूज कर सकते हैं, मतलब एक ऐसी मशीन आप यूज कर सकते हैं जो कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी या ज्यादा वर्क आपको प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। तो इसमें जैसे आपसे पूछा है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में पहला आता है रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड सेकेंड रिप्लेस विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। थर्ड आप कह सकते हैं, थर्ड में आप क्या कह सकते हैं, थर्ड में फ्यूल एफिशिएंट मशीन मशीन आप यूज कर सकते हैं जो कम फ्यूल आपको दे। तो लेकिन अगर आप लोगों को ये कितना चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे लोगों के समझ में नहीं आ रखी है, तो इंडिया में क्या क्या गया, एक एसोसिएशन सेटअप की गई है दैट इज पीसीआरए, ठीक है। पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। ये आपकी एक क्या है, एक एसोसिएशन बनाई गई है, वो क्या करती है, वो कंजर्व करती है पेट्रोल डीजल या सीएनजी के यूज पे, क्या करती है वो उसको कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, आप ये कह सकते हैं। तो ये कहती है कि भाई एक तो अगर आप व्हीकल है आपके पास उसको कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड के ऊपर आप इसको चलाएं, सेकंड स्विच ऑफ द इंजन, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट पर जो इंजन होता है उसको बंद कर देना चाहिए, थर्ड और जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस रखनी चाहिए, मतलब उसको समय समय पर उसकी सर्विस आपको कराते रहना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द एनर्जी क्राइसिस। तो हम बात करेंगे कि भाई आज के जो हमारा करंट सिनेरियो है, या आप कह सकते हैं कि करंट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो उसमें जो एनर्जी की खपत है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एनर्जी क्राइसिस इसलिए बोला गया है कि आज की दुनिया में मीन्स जो भी काम हम करते हैं वो सब हमारा मशीन के ऊपर डिपेंड है, और जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, और जो लोग हैं वो टेक्नो फ्रेंडली हो रखे हैं,
ठीक है, जैसे पहले इंसान क्या करते थे, मतलब पानी के लिए घड़े में रख देते थे, घड़े से पानी हो जाता था, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल सभी क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड आरओ लगाते हैं, जिससे पानी के लिए एनर्जी चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या एक एनर्जी की फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है, पहले नल होती थी, अभी समर्सिबल होते हैं, एनर्जी वहां पर भी कंज्यूम हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से जोड़ने के साथ साथ भी वो क्या कर रहे हैं, वो एक एनर्जी क्राइसिस भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एनर्जी की खपत है उनके डेली लाइफ में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद क्या हो गया है कि डेवलपमेंट और जो एनर्जी का कंजप्शन है वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें बहुत बड़ी मशीन होते हैं, उनको चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो आप देखते हैं एनर्जी हमारे लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, मॉडर्न मेथड है एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है और बहुत सारे इम्प्लीमेंट है, उन सभी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए। फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, वो चल रहे हैं। वरना पहले लोग क्या करते थे, हाथ से खेतों को करते थे, खेती जो करते थे उसमें मशीन का यूज करते ही नहीं थे, सब हाथ से या एनिमल्स की मदद से उसको करते थे। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय ए सम ड्यू टू द नंबर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। देखो जैसे मैंने बात की थी, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, एमपी प्लेयर हो गया, कूलर हो गया, पंखे हो गए, स्विच हो गया, और आपके मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, इन सभी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, और जैसे हमारा ट्रांसपोर्टिंग का मिक्सर, पहले क्या होता था, पहले सभी क्या करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। अभी सबके पास क्या है, अलग अलग व्हीकल हो गए, कोई अपना व्हीकल लेके जा रहा है, सभी अपने अपने व्हीकल पर जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। इसलिए बोला जाता है कि भाई जब भी आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, ताकि जो आपका फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन है वो घट जाए, और उसके आपको मतलब ना तो एयर पोल्यूशन होगा, ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी। तो हम देखते हैं कि भाई दिन ब दिन जो एनर्जी का जो इंक्रीमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जो अवेलेबल रिसोर्सेस है एनर्जी के, वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, एक सेंसिबल तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, जब हम एनर्जी के रिसोर्सेज को एक बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं, जिससे हमें आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी हैज टू मेन एडवांटेज। जुडिशियस का मतलब है न्यायपूर्ण, मतलब न्याय होना चाहिए कि भाई अगर आप एनर्जी यूज कर रहे हो तो उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए, और आपकी नेसेसिटी होनी चाहिए कि भाई आपको जरूरत है इसलिए आप यूज कर रहे हो, बिना जरूरत के, बिना किसी दिखावे के आपको एनर्जी यूज नहीं करनी है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू मीट द एनर्जी। ठीक है, जो आपकी क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, वो आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट को ग्रोइंग पेट्रोलियम से पॉपुलेशन से जोड़ती है, और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है ऐसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को जोड़ने के लिए। मतलब हम कुछ ऐसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं जिससे एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द केयर फॉर एनवायरमेंट, देन दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीट। तो हम एनवायरमेंट के लिए केयर किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आप कहीं पर भी, आपके घर में है या आप कहीं पर भी देखते हो, कहीं पर लाइट ऑन है, उसका कोई यूज नहीं है, फैन ऑन है, कूलर ऑन है, टैप वाटर ऑन है, हीटर ऑन है, तो अगर वो अननेसेसरी चल रहे हैं तो आप उनको ऑफ कर दीजिए। दैट विल बी द वेरी बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को बचाने में। ठीक है, और हमें सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर वाटर पंप का यूज करना चाहिए, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर चलते हैं। इससे आपका क्या होगा, कोई भी आपका ना तो पोल्यूशन होगा, ना ही आपका जो फॉसिल फ्यूल है उसका कंजप्शन होगा। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल हमें यूज करने चाहिए। ठीक है, और जो भी आपके फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल है उनको हमें समय समय पर क्या कर देना चाहिए, उनकी हमें जांच कर लेनी चाहिए कि भी वो ठीक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी गैस पाइपलाइन है और पाइपलाइन है उसको हमें देख लेना चाहिए कि भी कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रहा है, जिससे हमें वेस्टेज तो नहीं हो रही है। ठीक है, एलईडी और सीएफएल का यूज करना चाहिए, जो आप बल्ब का यूज करते हैं उसकी जगह, और अपने प्राइवेट व्हीकल की जगह आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करना चाहिए।
और कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकड़ाता है। और हमें जो चूल्हे यूज करने चाहिए वो स्मोकलेस चूल्हे यूज करने चाहिए और केरोसिन और वुड यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।